हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि जो हमारे बाल हैं वह लंबे हों, स्वस्थ दिखें, बिल्कुल चमकदार हो, जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी में भी एक निखार आए। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो इस कारण से हमारे बालों का जो झड़ना है बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या हो गई है। इसी वजह से जो हेयर फॉल है, यानी कि बालों का झड़ना, बहुत ही कॉमन हो चुका है और ऑलमोस्ट हर व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इससे ज़रूर पीड़ित होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मेरा नुस्खा है, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो आजकल हम यूजली यूज़ नहीं करते हैं, खासकर अपने बालों के लिए, क्योंकि हम मार्केट से जो फैंसी बॉटल्स में आर्टिफिशियल ऑयल मिक्स आते हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कभी ध्यान से सोचें कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे घर में भी आपकी दादी नानी होंगी, आप खुद कई बार सोचिए, तो वो हमेशा अपने बालों के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। और पहले के लोगों के बाल की जो क्वालिटी होती थी, जो उनके बालों की लेंथ होती थी, वह आज के मुकाबले बहुत लंबी होती थी और उनके बाल भी बहुत घने होते थे और साथ ही स्वस्थ भी होते थे। तो क्यों ना आप भी उसी पुरानी पद्धति को इस्तेमाल करें और अपने बालों में एक नई जान लीजिए। तो आइए देखते हैं कि ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ कैसा है। फ्रेंड्स, दो बार अगर आप इस फॉर्मूले को मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का झड़ना तो बंद हो ही जाएगा, आपके बाल आपको स्मूद एंड सिल्की भी हो जाएंगे। अगर रेगुलर आप लगाएंगे तो बाकी समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे, ये मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि सरसों का तेल। इसके मैं ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं नॉर्मल हेयर लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो उस हिसाब से आप इसकी क्वान्टिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून मैं इस सरसों के तेल की इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें फ्रेंड्स मुझे 1 टेबलस्पून, ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, यानी नारियल का तेल है, इसका मिक्स करना है। कोई भी नारियल का तेल आप ले सकते हैं, मेरे पास पतंजलि का है तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये तो थी हमारी बेसिक चीज़ें। अब जो दो चीज़ें आपको इसमें इस्तेमाल करनी है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके बालों की ना सिर्फ लेंथ को बढ़ाएंगी बल्कि आपके बालों को मजबूत बनाकर उनका झड़ना कम करेंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे पास है वो है फ्रेंड्स ये आप देख के शायद नहीं इसको पहचान रहे होंगे, ये है फ्रेंड्स सौंठ का पाउडर, यानी जो अदरक होती है, सूखी अदरक, कुछ इस तरह से वो दिखाई देती है, अदरक को सुखाकर इसका मैंने ये पाउडर बना के रखा हुआ है। ये खाने में तो बहुत स्वाद को आपको बढ़ाती है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी हो। तो इसका 1/2 टेबलस्पून मैं अपने इस तेल में ऐड कर रही हूँ। आपके पास फ्रेंड्स अगर ये अदरक जो सौंठ है या सूखी अदरक है वह अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो अदरक, ताज़ी अदरक आती है, आप उसका रस निकाल लीजिए, उसको कद्दूकस करके उसका 1/2 टेबलस्पून रस आप इस फॉर्मूले में ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज मुझे इसमें ऐड करनी है वो है फ्रेंड्स ये है कलौंजी। कलौंजी यानी कि प्याज के बीज। फ्रेंड्स, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। प्याज वैसे भी आपके बालों के लिए, प्याज किसी भी रूप में हो, चाहे उसका रस हो, चाहे उसके बीज हो, कलौंजी तो खासकर फ्रेंड्स आपके बालों को ग्रोथ देने के लिए या फिर उनकी मजबूती को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसका 1/2 टेबलस्पून मुझे इसमें ऐड करना है। बस ये सभी चीज़ें आपकी मिलके तैयार हो गई है। लेकिन आपको इसको यूं ही नहीं लगाना है, आपको इस तेल को लगभग 1 दिन तक कम से कम आपको इसको धूप में रखना है। अगर 2-3 बार के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी बनाकर 2 दिन के लिए इसको धूप में रख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसकी अपने हेड पर अच्छी तरह से मसाज करनी है। जैसे पहले जिसको तेल मालिश बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, सब लोग इसको किया करते थे अपने बालों की ग्रोथ के लिए, तो वही चीज़ आपको अपनानी है। इस तेल से आपको अपने तेल
इस तेल से आपको अपनी सिर की हेड मसाज करनी है फ्रेंड्स, अच्छे से हेड मसाज कीजिए। उसके बाद एक दिन इस तेल को आप लगे रहने दीजिए, चाहे तो रात को या शाम को इसको लगा लीजिए, रात भर लगे रहने दीजिए। सुबह किसी भी नॉर्मल हर्बल शैम्पू से अपने बालों को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उस दिन उन बालों को यूं ही रहने दीजिए, रात को फिर से ये तेल लगाइए और सुबह इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स ये तेल अगर आप 2 बार भी लगाएंगे तो आपके बालों का झड़ना बहुत हद तक कम होने वाला है। और अगर इसको आप रेगुलर इंटरवल पर ऐसे वीक में 2 बार लगा लीजिए या 3 बार लगा लीजिए, ऐसे करके लगाएंगे तो आपके बालों की और भी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके बालों का झड़ना तो ये रोकेगा ही, साथ ही साथ आपके बालों की मजबूती में, आपके बालों की ग्रोथ में भी ये बहुत मदद करने वाला है। और आपने देखा कितना सिंपल सा, कितना आसान सा ये नुस्खा है, कोई एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।